कोकण के राजापुर में बारसू में प्रस्तावित रिफाइनरी को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। स्थानीय लोग प्रोजेक्ट की मिट्टी जांच का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को प्रशासन ने पुलिस बल का प्रयोग कर कुचल दिया। हालांकि स्थानीय विरोध जारी है। इस बीच शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इस रिफाइनरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल सांसद विनायक राउत को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी की जानकारी खुद राउत ने ट्विटर पर दी है। शिवसेना उद्धव बाड़ासाहेब ठाकरे के सांसद विनायक राउत ने आरोप लगाया कि बारसू में तेल रिफाइनरी परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस क्रूरता से अत्याचार कर रही है। इस दमन को रोकने और पुलिस बल को वापस लेने की मांग की। इसके बाद उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। नतीजतन आज उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आंदोलन आणि विरोध चालूच राहील। आम्ही लोकांची चर्चा केली तर स्पष्ट ग्रामस्थांचं म्हणणं असं आहे की दबावाच्या परिस्थितीत म्हणजे पोलीस बळाचा वापर आहे, जबरदस्तीने काम चालू आहे, अशा परिस्थितीत कुठली चर्चा होऊ शकत नाही। सर्वप्रथम ते काम थांबवा, पोलीस बळ सगळं काढून न्या। आम्ही काही इथे दंगामस्ती करायला, आमचं गाव आहे, तालुका आहे, सुखाने आम्ही इथे राहतो आहे, अशा परिस्थितीत चर्चा करायला काय प्रॉब्लेम आहे? तर सगळं वातावरण तुम्ही पूर्ववत करा, त्याच्यानंतर चर्चा होईल आणि तोपर्यंत चालूच राहील। चर्चेनंतरसुद्धा जे काय होईल, लोकांना रिफायनरी नको आहे इथे, अनेक बागायतदार असू देत, मच्छीमारसुद्धा आहेत, त्यांनाही रिफायनरी नको आहे। चर्चा जर करायची असेल तर संपूर्ण काम थांबवा। NBCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।